न्याय मांग रहे ये लोग कोई आम नागरिक नहीं है, बल्कि ये लोग दिल्ली पुलिस के जवान हैं। वही दिल्ली पुलिस जो दिल्ली वासियों को शांति, न्याय और सुरक्षा देने का दम भरती है। राजधानी दिल्ली के 30,000 कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच हुए विवाद के बाद अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब दिल्ली पुलिस के जवान सड़कों पर हैं और अब अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो हमें और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में पूरी मदद करती है, पुलिस चाहे वर्दी में हो या बेवर्दी, लोगों की सुरक्षा के लिए अक्सर आगे आती है। ऐसे में अगर दिल्ली पुलिस के जवान ही सड़क पर आएंगे तो सवाल बेहद गंभीर है। अब सवाल उठता है कि दिल्ली पुलिस के ये लोग किसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं? क्या उन लोगों के लिए जो घर से दफ्तर के लिए निकलते हैं, या फिर उन मासूमों के लिए जो घर से स्कूल के निकलते हैं, या फिर दिल्ली की महिलाओं के लिए, या फिर 30,000 मामले को लेकर ये पुलिसकर्मी अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? सवाल साफ है कि क्या पुलिस को अपनी सुरक्षा की मांग करने का अधिकार नहीं है, और क्या वाकई दिल्ली के हालात अब इतने चिंताजनक हो चुके हैं कि दिल्ली पुलिस को खुद सड़कों पर उतर कर अपने ही वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी सुरक्षा की गुहार लगानी पड़े? सड़क पर पिट रही है वही दिल्ली पुलिस है जो 24 घंटे हमारी सुरक्षा में मुस्तैद रहती है। हम लोगों के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर दिल्ली पुलिस हमेशा सजग रहती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई अब दिल्ली पुलिस की हालत इतनी दयनीय हो गई है कि दिन दहाड़े लोग उनको पीटने पर उतारू हो जाएं? ये वीडियो अपने आप में काफ़ी कुछ बयां करता है। दिल्ली पुलिस के जवान के साथ इस तरह की हरकत वाकई कई सवाल खड़े कर रही है। ये वीडियो साकेत कोर्ट का है, जहां कुछ अधिवक्ता पुलिसकर्मी की पिटाई कर रहे हैं। इस वीडियो में देखें पुलिसकर्मी कितना बेबस दिख रहा है। वीडियो में दिखने वाला शख्स उसे चाटे मार रहा है, उसके बाद पुलिसकर्मी खामोश है। वह बाइक को मोड़ रहा है और पिट भी रहा है, लेकिन पिटाई करने वाले शख्स को जवाब नहीं दे रहा है। कितना मजबूर है ये पुलिसकर्मी। एक और नजारा देखिए, किस तरह से कुछ लोग साकेत पुलिस चौकी में तोड़फोड़ कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ये लोग सरकारी संपत्ति के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। कौन है ये लोग? तस्वीरों में कपड़ों से तो इनकी पहचान दिख रही है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस मजबूर है इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। क्यों? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार, खुद पुलिस या फिर वकील? ये दोनों ही समाज के बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं। पुलिस जहां किसी भी घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पहुंच जाती है, तो वहीं वकील लोगों को न्याय की चौखट तक पहुंचाने में पूरी मदद करते हैं। ऐसे में अगर समाज के दो बड़े अंग एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे तो वाकई चिंताजनक बात है। ऐसे में क्या पुलिस और वकीलों के बीच की झड़प का मामला इतना तूल पकड़ लेगा, इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। और अब सवाल यही उठ रहे हैं कि इन दोनों के बीच की भिड़ंत आखिर क्या रंग दिखाएगी? क्या ये मामला यूं ही आगे बढ़ता रहेगा, या फिर कोई पहल कर इन दोनों को सुलह कराने की कोशिश की जाएगी? आप लोग अभी धरने पर बैठे हैं, तो दिल्ली की सुरक्षा कौन करे? मैडम, अपनी सुरक्षा तो कर ले पाले हम, जब तो किसी की करेंगे। हमारी तो हो नहीं रही सुरक्षा, बताइए, आप बताइए ना, हमारी सुरक्षा तो हो नहीं रही। पहले हम अपनी सुरक्षा कर ले, फिर दिल्ली की सोचेंगे। मांगा हमारे साथियों को तुरंत बहाल किया जाए, जिनको सस्पेंड किया है। भाई, हमें पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इस बारे में कोई भी हमारे पर हाथ ना उठाए, अपने कानून के वेलना ना करे, हम अगर उसका पालन करें तो हमारा साथ दे। एक परीक्षा की घड़ी है, वैसे दिल्ली पुलिस के लिए चुनौतियां हम हमेशा देखते आए हैं। तरह तरह के सिचुएशंस को हम हैंडल करते हैं, तो पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसको भी अभी तक हमने अच्छी तरह से देखा हुआ है, आप लोगों ने देखा हुआ है।
हमारे जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अफसरान थे उन्होंने ठीक से उसको संभाला था। सिचुएशन जैसे उस दिन था उसके हिसाब से अगर देखें तो काफी सुधर रहा है। तो ये स्थिति को हम परीक्षा की तरह माने और हम पे जो जिम्मेदारी दी गई है कि कानून को हम संभालें और कानून के रखवाले की तरह हम बर्ताव करें उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस स्थिति को सही तरीके से हम निपटाएंगे। परीक्षा के साथ साथ मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये हमारे लिए अपेक्षा की भी घड़ी है। सरकार की तरफ से जनता की तरफ से हमसे काफी उम्मीदें रखी जाती हैं, अपेक्षा रखी जाती है, क्योंकि हम कानून के रखवाले हैं और हमको डिसिप्लिन फोर्स की तरह बिहेव करके कानून को हम जैसे अभी तक अच्छी तरह से बनाए रखे हैं उसके हिसाब से हम आगे भी बढ़ाएं। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि खुद पुलिस आयुक्त भी कितना असहज महसूस कर रहे हैं अपने साथी पुलिसकर्मियों के बीच। हालांकि यहां पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर साथी पुलिसकर्मियों से काम पर लौटने की अपील कर रहे हैं, लेकिन पुलिसकर्मी यहां से टस से मस होने को तैयार नहीं है। दिल्ली पुलिस के जवान चाहते हैं कि वकीलों पर भी उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिस तरह से कुछ पुलिसकर्मियों पर निलंबन की गाज गिरी है उसी तरह की गाज दिल्ली के वकीलों पर भी गिरे। तो साफ है कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली के वकीलों के बीच चली आ रही ये लड़ाई आने वाले समय में किस करवट बैठेगी इसको लेकर चिंताएं अभी से सामने हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।